हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन 50 सीरियल के नाम जो कि 2023 में ऑफ एयर हो चुके हैं। तो पहले हम बात करते हैं स्टार प्लस के शोज की। पहले नंबर पर है बन्नी चाऊ होम डिलीवरी सीरियल, जिसमें हमें प्रविष्ट मिश्रा और उल्का गुप्ता देखने के लिए मिले थे लीड रोल में। साथ ही इसमें बाद में रिया शर्मा और अर्जित तनेजा की भी एंट्री हुई थी। इसके बाद दूसरे नंबर का शो है फालतू, निहारिका चोकसे और आकाश आहूजा इसमें हमें लीड रोल में देखने के लिए मिले। इसके बाद है तीसरे नंबर का शो कह दूं तुम्हें, इसमें हमें मुदित के नायर और युक्ति कपूर लीड रोल में देखने के लिए मिले। चौथा शो है रज्जू, जिसमें हमें सेलेस्टी बैरागी और राजवीर सिंह लीड रोल में देखने के लिए मिले। पांचवा सीरियल है चाशनी, जिसमें हमें साई केतन राव और अमनदीप सिद्धू लीड रोल में देखने के लिए मिले। छठवा सीरियल है तितली, जिसमें हमें अविनाश मिश्रा और नेहा सोलंकी लीड रोल में देखने के लिए मिले। इसके बाद हम बात करते हैं जी टीवी के शोज की और ऑल ओवर सातवें नंबर का शो है मैत्री, जिसमें हमें श्रेणु पारिख और नमिश तनेजा लीड रोल में देखने के लिए मिले। आठवां शो है लग जा गले, जिसमें हमें तनिषा मेहता और नमिक पॉल की जोड़ी देखने के लिए मिली। नौवां शो है मीत, ये काफी लंबे टाइम तक चला, इसमें हमें शगुन पांडे और आशीष सिंह लीड रोल में देखने के लिए मिले। दसवां शो है मैं हूँ अपराजिता, जिसमें कि हमें श्वेता तिवारी लीड रोल में देखने के लिए मिली। इनके अपोजिट मानव गोहिल ने भी रोल प्ले किया। इसके बाद हम बात करते हैं सोनी सब के शोज की, जहाँ ऑल ओवर लिस्ट में 11वें नंबर का शो है अली बाबा दास्तान काबुल, जिसमें हमें शिजान खान एंड तुनिशा शर्मा लीड रोल में देखने के लिए मिले। 12वें नंबर का शो है मैडम सर, जिसमें हमें गुलकी जोशी और युक्ति कपूर देखने के लिए मिली। इसमें सभी ठाकुर की एंट्री भी हुई थी। 13वां सीरियल है दिल दिया गल्ला, जिसमें कि हमें पारस अरोरा और कावेरी प्रियम की जोड़ी देखने के लिए मिली। फैंस ने इन्हें काफी पसंद किया था। 14 नंबर का सीरियल है बालवीर सीजन 3, ये सीरियल बहुत ही कम टीआरपी की वजह से ऑफर हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं कलर्स टीवी के ऑफर हुए शोज की। ऑल ओवर लिस्ट में 15वें नंबर का शो है पिशाचिनी, इसमें हमें जिया शंकर और हर्ष राजपूत की जोड़ी देखने के लिए मिली। साथ ही पिशाचिनी के रोल में नायरा बनर्जी देखने के लिए मिली थी। 16वां सीरियल था शेर दिल शेर गिल, जिसमें हमें धीरज दुब्बर और सुरभि चंदना देखने के लिए मिले थे। 17वां सीरियल था ससुराल सिमर का सीजन 2, इसमें हमें राधिका और अविनाश मुखर्जी लीड रोल में देखने के लिए मिले। ये सीरियल काफी लंबे टाइम तक चला था। 18वां सीरियल था मोलक की रिश्तों की अग्नि परीक्षा, इसमें हमें विधि यादव और आशीष कपूर लीड रोल में देखने के लिए मिले थे। 19वां सीरियल है दुर्गा और चारू, जिसमें कि हमें कुणाल जयसिंह, अद्रिजा रॉय और रांची शर्मा लीड रोल में देखने के लिए मिले थे। 20वां सीरियल है तेरे इश्क में घायल, जिसमें हमें रीम शेख, करण कुंद्रा और गश्मीर महाजनी देखने के लिए मिले लीड रोल में। इस शो में हमें राहुल सुधीर और नीति फतनानी भी देखने के लिए मिले। 21वें नंबर का सीरियल है जुनूनियत, जिसमें हमें अंकित गुप्ता, गौतम बिग एंड नेहा राणा लीड रोल में देखने के लिए मिले थे। इसका नया सीजन भी जल्दी लॉन्च होगा। 22वें नंबर का सीरियल है प्यार के साथ बचन धर्मपत्नी, इसमें हमें फैमान खान और कृतिका सिंह यादव लीड रोल में देखने के लिए मिले। 23वें नंबर पर सीरियल है अग्नि साक्षी एक समझौता, जिसमें हमें आशय मिश्रा और शिविका पाठक देखने के लिए मिले थे। 24वें नंबर का सीरियल है बेकाबू, जिसमें कि हमें पॉपुलर एक्टर ईशा सिंह और शैलिन बनोट की जोड़ी देखने के लिए मिली। इसमें शिवांगी जोशी और जैन इमाम भी स्टार्टिंग में देखने के लिए मिले थे। 25वें नंबर पर है सावी की सवार, जिसमें हमें फरमान हैदर और समृद्धि शुक्ला लीड रोल में देखने के लिए मिले थे। 26वें नंबर पर है नागिन सीजन 6, इसमें हमें तेजस्वी प्रकाश और सिम्बा नागपाल लीड रोल में देखने के लिए मिले थे। अब हम बात करते हैं सोनी टीवी के शोज की, जहां 27वें नंबर पर है हम रहे ना रहे हम, जिसमें हमें जय भानुशाली और टीना दत्ता लीड रोल में देखने के लिए मिले थे। इसमें बाद में करणवीर बोहरा की एंट्री भी हुई थी। 28वें नंबर पर है छलांग सपनों की, जिसमें कि हमें मेघा रे लीड हीरोइन के रोल में देखने के लिए मिली थी। 29वें नंबर पर है बड़े अच्छे लगते हैं इसका सीजन 2 एंड सीजन 3, इसमें हमें नकुल मेहता और दिशा परमार लीड रोल में देखने के लिए मिले। फैंस को इनकी जोड़ी काफी पसंद आई थी। 30वें नंबर पर है सीरियल मेरे साई, जो कि काफी लंबे टाइम के बाद ऑफ एयर हुआ है। 31वें नंबर पर है पुण्य श्लोक अहिल्याबाई। अब हम बात करते हैं दंगल टीवी के शोज की, जहां ऑल ओवर लिस्ट में 32वें नंबर पर सीरियल है पिया अभिमानी, जहां हमें अक्षित सुखिजा और आस्था शर्मा की जोड़ी देखने के लिए मिली। 33वें नंबर पर है मस्त मौली सीरियल, जहां हमें मोहित सोनकर और शगुन सिंह लीड रोल में देखने के लिए मिले। 34वें नंबर पर है पलकों की छाव में सीजन 2, जहां हमें विन राणा और तृप्ति मिश्रा लीड रोल में देखने के लिए मिले। फैंस ने इनकी जोड़ी को काफी पसंद किया था। इसके बाद 35वें नंबर पर है ज्योति उम्मीदों से सजी, ये सीरियल बहुत ही कम एपिसोड में ऑफेयर हुआ था। इसमें हमें अक्षिता वात्स्यायन और साहिल उप्पल लीड रोल में देखने के लिए मिले। 36वें नंबर पर है जन्म जन्म का साथ, इसमें हमें निक्की शर्मा और गौरव बजाज लीड रोल में देखने के लिए मिले थे।
37 नंबर पर है बेंदिया सरकार सीरियल, जिसमें हमें सोनल खिलवानी और ध्रुव भंडारी लीड रोल में देखने के लिए मिले थे। 38वें नंबर पर सीरियल है इश्क की दास्तान नागमणि, जिसके दो सीजन हमें देखने के लिए मिले। आलिया घोष एंड करम राजपाल इसमें हमें लीड रोल में देखने के लिए मिले। 39 नंबर पर है सिंदूर की कीमत सीजन 2, जिसमें कि हमें वैभवी हंकारे और मोहित हीरानंदनी लीड रोल में देखने के लिए मिले। इसके बाद हम बात करते हैं शेमारू उमंग टीवी के शोज की। ऑल ओवर लिस्ट में 40 नंबर पर है राजमहल डाकिनी का रहस्य, जिसमें हमें हिमांशु सोनी, रिद्धिमा तिवारी एंड नेहा हरसोरा लीड हीरोइन के रोल में देखने के लिए मिले। 41 नंबर पर है क्योंकि तुम ही हो, इसमें हमें अमर उपाध्याय, प्रियंका धवले, हर्ष नागर और करण खन्ना लीड रोल में देखने के लिए मिले थे। इसके बाद हम बात करते हैं एनटीवी के शोज की। ऑल ओवर लिस्ट में है 42 नंबर पर दूसरी मां सीरियल, जिसमें हमें नेहा जोशी और आयुध भानुशाली लीड रोल में देखने के लिए मिले, जहां इन्होंने मां बेटा का रोल प्ले किया। अब हम बात करते हैं स्टार भारत के शोज में। 43वें नंबर पर है मेरी सास भूत है, जहाँ काजल चौहान और वैभव रॉय ने लीड रोल प्ले किया। 44 नंबर पर है अजूनी सीरियल, जहां शोएब इब्राहिम और आयुषी खुराना की जोड़ी देखने के लिए मिली। 45वें नंबर पर है धीरे धीरे से सीरियल, जिसमें रीना कपूर एंड राहिल आजम हमें लीड रोल में देखने के लिए मिले। 46वें नंबर पर है ना उम्र की सीमा हो, जिसमें हमें इकबाल खान एंड रचना मिस्त्री लीड रोल में देखने के लिए मिले। 47वें नंबर पर है वो तो है अलबेला, जिसमें कि हमें शहीर शेख एंड हिबा नवाब की जोड़ी देखने के लिए मिली। ये शो काफी लंबे टाइम तक चला था, इनकी जोड़ी भी फैंस को काफी पसंद आई थी। 48वें नंबर पर है राधा कृष्णा सीरियल, जिसमें कि हमें मल्लिका सिंह और सुमेध लीड रोल में देखने के लिए मिले। ये शो काफी लंबे टाइम तक चला था। इसके बाद हम बात करते हैं रियलिटी शो की, जो कि दंगल का शो है। 49वें नंबर पर है फव्वारा चौक, ये शो भारती सिंह की तरफ से लाया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं एक और सीरियल की, जो कि हाल फिलहाल में ऑफ एयर हुआ है। उसका नाम है कथा अनकही, ये इस लिस्ट में 50वें नंबर पर है। इसमें हमें अदनान खान और अदिति देव शर्मा की जोड़ी देखने के लिए मिली। सभी फैंस को अदनान खान और अदिति देव शर्मा की जोड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी, इन्हें अवार्ड भी मिला था। तो दोस्तों 2023 में ऑफ एयर हुई सारे शोज की लिस्ट मैंने आपको बताया, जिनमें की 50 सीरियल शामिल है। इनमें से आपका फेवरेट सीरियल कौन सा था, साथ ही आप कौन से नए सीरियल के लिए एक्साइटेड हैं, कमेंट में जरूर बताएं, ताकि उनसे जुड़ी हुई अपडेट मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा सकूं। थैंक यू।